सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आप सारे दोस्तों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है मैंने वो क्वेश्चंस रखे थे जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पे कि आप मुझे कुछ क्वेश्चंस करें मैं उसके आंसर जो है यूट्यूब में दूंगा और ये क्वेश्चंस शुड बी फनी। तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे और कुछ जो वो इस तरह के थे कि उनके मैं आंसर्स वगैरह यहाँ पे नहीं दे सकता था। तो क्योंकि मेरा ज़रा फैमिली कंटेंट होता है तो मेरी ऑडियंस जो वो सारी वो हर किस्म की मेरी ऑडियंस होती है तो इस वजह से मैं उनको नहीं ले सका, उनका जवाब भी दे सकूँगा। लेकिन जो कुछ के आंसर मैं रीड करूँगा और उनके आंसर दूंगा, बहुत मज़े की वीडियो, बहुत अच्छा था, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल जो है ये मुझसे पूछा गया कि व्हाट इंस्पायर यू टू कम ऑन यूट्यूब। वैसे तो बेसिकली मैं एज सच किसी से इतना इंस्पायर नहीं था, लेकिन जो जिनको मैं कह सकते हैं कि वीडियोस देखी हुई थी मैंने, वो अरफान जुनेल जो है, जो मुझे बेस्ट व्लॉगर जो है ना, व्लॉगिंग जो है पाकिस्तान के अंदर जो व्लॉगिंग है, यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्लॉगिंग जो है वो अरफान जुनेल जो की अच्छी होती है और उसके बाद मोरो की है, इन दोनों की व्लॉगिंग अच्छी थी। बाकी जो यूट्यूबर्स जो ठीक है वो सारी कर रहे हैं अपना काम, इस तरह से विटाली है, अमेरिका से विटाली उसका नाम है, रशियन है वो लड़का, तो दे आर सो मैनी वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन वो व्लॉगर जो हैं व्लॉगर वो मुझे बेस्ट लगते हैं अरफान जुनेजो और मोरो। और इसके बाद मुझसे पूछा गया कि वेयर वुड यू लाइक टू ट्रेवल वंस कोविड इज़ ओवर, यानी कि जब कोविड जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। वैसे तो मेरे से पूछा था मैं तो पाकिस्तान ही जाना पसंद करूँगा, लेकिन जब कोविड ख़त्म हो जाता है तो मेरा मूड है तुर्की जाने का, तुर्काई जाने का, और उसके अलावा ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा, ये दोनों मुल्क भी मैंने फिरने हैं उसके बाद। और इसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन है वो है जी व्हाट्स योर फेवरेट डिश यू हैव मेड। फेवरेट डिश जो है, वैसे तो मैंने जो बनाई है मुझे जो पसंद आई थी, जो मैंने खुद बनाई, सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई थी वो मेरी लज़ानिया की रेसिपी थी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल ट्राई किया था, बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट थी मेरी लज़ानिया की, वो बहुत मज़े का मुझे लगा था। और उसके बाद पकौड़ों की रेसिपी थी, पकौड़े मैंने पहले भी बनाए हुए थे लेकिन उस दिन जो मैंने पकौड़े बनाए थे व्लॉग के दौरान वो बहुत मज़े के थे। और उसके अलावा बटर चिकन, ये तीन जो है ना ये वन ऑफ द बेस्ट डिशेज जो मुझे लगी ना अभी तक जो मैंने जो बनाई उनमें सबसे ज़्यादा जो टेस्टी थी ये तीन थी। व्हाट कैन एक्सपेक्ट ऑफ यू इन द फ्यूचर ऑन यूट्यूब, मेरे तो की एक्सपेक्ट करें, मेरे तो मेरे घर वाले कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ चंगी चीज़ हाँ, लेकिन लेकिन यार भाईजान मैं इंशाल्लाह ताला अब जो फ्यूचर के अंदर जो मेरा कोलैबोरेशन देखेंगे लोगों के साथ, ट्रैवल व्लॉग्स मैं इंशाल्लाह सुन करने वाला, जैसे ही कोविड ओवर होगा मैं ख़त्म होता है कोविड तो मैं फिर ये ट्रैवल व्लॉग्स करूँगा और कोलैबोरेशन का है मेरा, तो इनफैक्ट इन पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स के साथ मेरा कोलैबोरेशन का था, लेकिन वो लास्ट टाइम जो मेरा टूर था वो बहुत छोटा टूर था जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन इस सब इंशाल्लाह ताला मैं पहले सारी अरेंजमेंट्स करके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में भी आपको कुछ जो पाकिस्तान की ब्यूटी है वो एक्सप्लोर करूं और कुछ कोलैबोरेट करूं मैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर एज, आई लाइक योर वीडियोज़ वेरी मच, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि लड़कों की एज नहीं पूछते जी तो अगला क्वेश्चन है आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो मन की कमाई यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, नहीं जनाब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ आजकल जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देते ना 10-12-13 साल के बच्चे ने वो गला कारण है मेरी गर्लफ्रेंड हमारा प्यार वो कुड़ी करी मेरा बॉयफ्रेंड ये वो, मैं 20 साल की उम्र था कि 21 साल की उम्र था मैंने ऐसी नहीं समझ आ रही थी कि कुड़ी मेरे देख के हंस रही है कि मेरे हंस के देख रही है, मैं इसी कन्फ्यूजन से सारी जिंदगी कट गया वहाँ अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज योर सेलिब्रिटी क्रश व्हेन यू वर अ टीन। अच्छा इसके बारे में क्या को अब यार मेरी कौन होगा सेलिब्रिटी क्रश मुझे सोचना पड़ेगा, मैं जब टीन में था करीना कपूर करिश्मा कपूर केडियो सारी रानी मुखर जो क्रश क्रुश मैंने को दिया नहीं अमीर के चोट चले साढ़े नहीं क्रश होंगे साढ़े सीधे ब्याह ही होंगे मैंने नहीं पता यार नहीं है थी लेकिन अब मुझे इस तरह गंस कमा नहीं पता लेकिन सब सब भी थी एड्डा कोई स्पेशल डाइंग हार्ट फैन मैं कभी किसी का नहीं रहा ठीक है लेकिन हाँ थी। अच्छा तो अगला सवाल है क्या आपके साथ कभी कोई एम्बेरसमेंट मूवमेंट हुआ है, मोबाइल रख दीजिए अच्छी
मेरे साथ हुआ एम्बैरेसिंग मोमेंट, और इतना मजे का वाकया था ना वो वाला, मैं एक दफा रात के टाइम ना बैठा हुआ ना इस तरह बात कर रहा अपने कजन के साथ ना फोन के ऊपर, वो डॉर्टमंड में रहते थे, तो दोस्तों साहब बात कर रहा, तो नए नए थे तब, नए नए भी नहीं, खैर 3 साल हो गए थे मुझे, 2-2.5 साल हो गए थे जर्मनी में, ऐसे बातें हो रही होंगे की कर रहा है, मैं यार मैं कुछ नहीं बस वैसे ही बैठा, रात का टाइम 10-11 बजे का, कहता चल आ जा डॉर्टमंड आ जा, मैं कहता ना दिमाग ठीक है रात का टाइम, कहते नहीं नहीं तू आ जा डॉर्टमंड आ जा, डॉर्टमंड आ जाना ना यार मेरे को तो पैसे, अच्छा नहीं तुम टिकट करा देने, उन्होंने उसी वक्त बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट बुक कर दी, और रात को 2:30 बजे बस चल रही थी, ठीक है रेलवे स्टेशन से ना यहाँ से मेरे पास ही था 2.5-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा तकरीबन, 3 से 4 किलोमीटर था मेरे घर से, वहाँ से ना जरा बस जानी थी दूसरे शहर से, तो मैं सोची पै गई यार मैं उन की करा, और सर्दियों के दिन थे धुंध भी बहुत थी, मैं कहा चलो ठीक है, और मैं दोपहर को सोया भी नहीं, कहते नहीं आ जा आ जाओ, मैंने जनाब उस टाइम कपड़े पकड़े नहाया, नहाया भी आओ नहाया जल्दी ना कपड़े शपड़े चुके तो मैं टुर गया, और उन मैं ज़्यादा जा रहे थे ना, वो ठंड बड़ी ज़्यादा सी, ठंड लगती गई सर्दी लगती गई, जब मैं जाके अंदर बस में पहुंचा ना, मैं बस पे टाइम पे पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, 2:30 बजे बस ही रात को, और 5 मिनट पहले चुन गए, और जब मैं बस के अंदर बैठा हूँ ना अंदर जाके, तो बस से किसी निगी और मुझे इधर हीट पहुंची, सुकून मिला, मैं सो गया, अब सो गया जब मैं, तो मैंने लगाई थी सीट बेल्ट ना बस के ऊपर, अक्सर बसेस में होता है कि कुछ जो होती है ना सीटें वो बिल्कुल वो ज़मीन के साथ ना लेवल लगा होता है उनका बसों का, और कुछ जो होती हैं वो थोड़ी जो बस के अंदर जो चलने के लिए ज़मीन होती है ना उससे थोड़ी ऊपर होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा ना ऊंचाई होती है, सीटें थोड़ी ऊंची करके लगी होती हैं, उसकी जो सीटें थी ना वो थोड़ी ऊंची करके लगी हुई थी, और मैंने लगाई थी सीट पर, और मैं सो गया, और जब मैं सो गया ना तो मैंने पता नहीं क्यों एकदम मैंने ऐसे करके ना गिर गया ज़मीन तो ना थले में गिर गया, तो मैं नींद बैठ सी, मैं झूला पिया ना थले, मैं बाद झूलता पिया, तो ना उस सामने मेरे ना मेमा बैठिया सन कुड़ियाँ, तो ना उन्होंने ना कि मैं उठे एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन मैंने ना पता नहीं लगा ना, मैं बहुत गुनूदगी हुई, मैं दोपहर नहीं मैं बहुत थक हुआ, ठीक है ना खर उन्होंने मैं उठने की कोशिश की, मैंने मैं ऐ नहीं पता लगा कि मैं नींद के मैं सुता मैं डिग आया वहाँ थले, मैंने इन्हें नहीं पता, उन्होंने मैंने फाड़ के उगर सुखा मैंने सद्या, अरे मैंने ना मे उन्हें पढ़ के ना मैंने सद्या किता ना इतों ने मेरे धोम हाथ पाया उन्हें कुड़ी ने ना मैंने एक मेरी शर्ट में पढ़िया मोडल मेरे इतों फड़ के ना इन्हें खड़ा किता ने बिठाया मैं ना बैठा मेरी अख खुल गई ना नींद मेरी आज चुक रही थी ना मैं उस टाइम मेरी अख खुल गई तो ना मेरी अख खुली मेरी कहती तू ठीक है सब ठीक है तो ना मैं हंस ला पे मेरा हंसा नहीं मैं शर्मिंदा हो गया मेरा रंग सर हो गया ये ना मैं को मैं ना सॉरी मैं मैं सो गया सी शुल्डिंग मैं सो गया सी वो भी हंस ला पी कहती नहीं मैंने पता लग गया कि सुता पे वो कहती तू कि नाम लगता तू थकिया होगा बहुत ज़्यादा मैं क्या हाँ कहती चल ठीक है सो जब मैंने वो मेरे ना खोलन तक मैं जाना सी खोलन तक ना वो मेरे ना खोलन तक बस च बैठी मेरे सामने सीट पर तो मैं शर्मिंदा ही रहा सारे राह ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੱਗ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨੱਗ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਭੀ ਧੋਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਿੰਗਰ As a escaped feel from Bollywood, Magish Amrinder Gill, Harbhajan Mann, Arjit Singh, and from Pakistan, Magish Rahat Fateh Ali Khan, and Sajjad Ali. But the Deutsche leader, ich hoffe nicht so viel, aber ich mag, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Diese Lied mag ich sehr. Und ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Das mag ich auch. Ji, to end mein, aakhir mein ye question hai, ye kisi ne mujhe likha ki you are the best. Aur bahut shukriya beta, bahut shukriya aapka. Aur ye to aapki duaein hai aur aapka pyar hai mere liye. Aur aap bhi bahut best hai, aap best hai, to isliye aapko dusre bhi best lagte hain. Aur bahut shukriya aapka, isi tarah se mujhe pyar karte rahein. जी तो नाजिम ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ फनी मोमेंट्स मैंने आपने आप लोगों के साथ शेयर किए, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँ और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोग से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।